subscribe to ADDA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos. Hello everyone, good morning and welcome back to the 247. My name is Sonu and this is your daily current affairs show. So, आज के हमारे करंट अफेयर शो में मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं. सो आप यहाँ पर सब रेडी हैं तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में यस मैम लिख सकते हैं. उसके बाद आज का सेशन हम शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में. सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. देखिए आज का जो मैंने आपके लिए कोट रखा है वो है इफ़ आई कैन यू कैन. हमें लाइफ में कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक आइडल चाहिए होता है लाइफ में जिसको देखकर हमें ये लगे कि ये ऐसा काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. सो अगर आपका एम बैंक पीयू बनना है तो एटलीस्ट आप मुझे देखकर सोच सकते हैं कि अगर मैंने एग्जामिनेशन क्लियर किया है तो आप भी डेफिनेटली वो एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है, जो एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं बट वो हर काम थोड़े डिफरेंट तरीके से करते हैं. सो यू हैव टू बी डिफरेंट. आपको भीड़ से थोड़ा डिफरेंट बनना पड़ेगा, थोड़ी डिफरेंट सोच रखनी पड़ेगी, उसके बाद आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे. आपका इस बार पी यू एग्जामिनेशन आने वाला है. कल के सेशन में भी मैंने आपको एक पूरा स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर किया था हाउ टू बिकम ए बैंक पीयू, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं. उसे मैंने हर एक सेक्शन से रिलेटेड बताया है कि आपको अभी 20 डेज में एज ए पीयू के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि आपका एज ए पीयू एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए. सो आई होप आपने वो सेशन देखा होगा. तो क्या चलिए शुरू. अगर आप यहाँ पर सब रेडी हैं तो यस मैम लिख सकते हैं, फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. ओके सो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. ओके सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. हु वन द बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द छिप्पा एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल. सो यहाँ पर एक मूवी में एक्टिंग के लिए बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. इसका आंसर आपको बताना है. सो ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है. यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ सनी पवार. सनी पवार जो है उनको क्या दिया गया है, ये बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड दिया गया है. उनका हम इमेज भी देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. ओके सो ये जो आपके सामने इमेज आ रही है किसका है, सनी पवार का है. एंड यू वोंट बिलीव दिस, ही इज़ फ्रॉम द स्लम्स. वो कहाँ से है, मुंबई स्लम से बिलोंग करता है, एक स्लम में रहने वाला लड़का जिससे ये एक अवार्ड जो है काफ़ी बड़ा अवार्ड जो है उसको जीत लिया है. ही इज़ इंस्पिरेशन फॉर मैनी चिल्ड्रंस. ओके सो यहाँ पर आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि जो छिप्पा यहाँ पर मूवी है उसको डायरेक्ट किसने किया था. ओके सो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है. तो शफदार रहमान इज द डायरेक्टर ऑफ दैट छिप्पा मूवी, ये आपको पता होना चाहिए. ओके सो आपने मुझे बोला था कि मैम थोड़ा इमेज भी ऐड क्या करो सेशन में ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए. तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेम द इंडियन यूट्यूबर. आप काफ़ी यूट्यूब चलाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन है, नेम द इंडियन यूट्यूबर हु इज़ अमंग द टॉप 10 नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स 2019 बाय टाइम मैगजीन. टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग टॉप 10 में कौन सा इंडियन यूट्यूबर यहाँ पर आता है. यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर है. ऑप्शन नंबर बी जो था मुंबई कर निखिल होना चाहिए था. ओके सो आई होप इन सब यूट्यूबर्स को काफ़ी अच्छे से आप जानते होंगे, बट टॉप 10 में कौन है अकॉर्डिंग टू टाइम मैगजीन. देखो टॉप 10 में जो पर्सन है उनका नाम, उसका नाम क्या है, यहाँ पर अजय नागर है. एंड आपको पता ही होगा अजय नागर का जो यूट्यूब चैनल है वो कौन सा है, कैरी मिनाटी है. दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर. यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड. ये आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पर कैरी मिनाटी का, जो क्या है टॉप 10 यूट्यूबर्स में आते हैं इंडिया में. ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी है. ओके सो यहाँ पर एक और चीज़ आपसे पूछी जा सकती है. देखो यूट्यूब पे जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस है वो कौन सी कंट्री का देखता है, यानी यूट्यूब पे जितने भी ऑडियंस है वो मैक्सिमम कहाँ पर है. यूट्यूब पे जो मैक्सिमम ऑडियंस पहले जो थी वो कहाँ की थी, यूएस की थी. लेकिन आप मानेंगे अब सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर ऑडियंस है वो कहाँ की है, इंडिया की है. यानी इंडिया के मैक्सिमम लोग जो है वो यूट्यूब के क्या हैं, ऑडियंस हैं. दिस इज़ द वन थिंग जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए थी. देखते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है.
अगर आपको सेशंस ये अच्छे लगते हैं, 5 AM शो जो हमारा अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पर सेशन को लाइक भी कर सकते हैं. सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द किंगडम ऑफ स्वातिनी. स्वातिनी किंगडम जो है वहाँ के लिए इंडिया की हाई कमिश्नर कौन बन गई हैं, उनका नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में. ABCD ऑप्शन में से आपको बताना है यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है. अगेन आप यहाँ पर बता सकते हैं जो किंगडम ऑफ स्वातिनी है उसकी कैपिटल एंड द करेंसी क्या है. दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू. सो देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ राधा वेंकट रमन. राधा वेंकट रमन जी हैं वो क्या बन गई हैं, हाई कमिश्नर बन गई हैं इंडिया की किंगडम ऑफ स्वातिनी के लिए. अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं विद अबाउट द स्टैटिक फैक्ट्स. सो बताइए जल्दी जल्दी कि क्या कैपिटल और करेंसी है स्वातिनी की. इस स्वातिनी की जो कैपिटल एंड द करेंसी आपको यहाँ पर याद रख लेनी है, वो आपको दो कैपिटल्स यहाँ पर याद रखनी है. ओके सो ये दोनों ही किसकी कैपिटल हैं, इस स्वातिनी की कैपिटल हैं, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. अगेन आपसे जो करेंसी यहाँ पर पूछी जा सकती है वो है लैंगनी. सो दिस इज़ द करेंसी. और ये मबाम्बे एंड लुबाम्बा जो हैं वो दोनों कैपिटल हैं, किसकी कैपिटल हैं, ई स्वातिनी की कैपिटल हैं, करेंसी लैंगनी है. डेफिनेटली ये थोड़ा डिफरेंट नाम जो है वो आज आई होप आपने सुना होगा. तो डेफिनेटली ऐसी करेंसी किसी ही कंट्री की होती है, तो आपसे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो यहाँ पर ओके यहाँ पर आपको जो स्लाइड दिख रही है उसमें आप इमेज भी देख सकते हैं, ये राधा वेंकट रमन है. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट डे क्वेश्चन रिलेटेड टू द डे से रिलेटेड आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है. आपके सारे डेज का रिवीजन है वो हम अभी जो हमारे लास्ट में मे का लास्ट वीक होगा उसमें सारे डेज का हम यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे. सो विच डे इज डेजिग्नेटेड एज द वर्ल्ड बी डे टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग पोलिनेटर्स. जो पोलिनेटर्स होते हैं लाइक जो बीज होती है उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है. द क्वेश्चन इज किस दिन मनाया जाता है. ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है. सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू. अगेन यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 18th May. सो 18th May इज द करेक्ट आंसर यू. वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. मैंने आपको बताया था 17th May से रिलेटेड एक डे बताया था. कौन सा डे बताया था मैंने आपको, इट वॉज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे. तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है, 17th May को मनाया जाता है. ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. अगर आपसे पूछा जाएगा नेशनल डेंगू डे, बताइए कब मनाया जाता है. सो नेशनल डेंगू डे जो है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, इट विल बी ऑन 16th May. 16th May को क्या था, नेशनल डेंगू डे था. 17th को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे था. 18th को क्या था, वर्ल्ड बी डे था. सो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी. आप 17th May का क्या थीम रहा था वो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर हमें बता सकते हैं. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू टैप इनटू द मसाला बॉन्ड मार्केट. मसाला बॉन्ड मार्केट में टैप करने वाला पहला इंडियन स्टेट क्या है. यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए और डेफिनेटली आपसे बैंकिंग एग्जामिनेशन में तो पूछा ही जा सकता है क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड एक टॉपिक आ गया है. वो क्या है आपके सामने, बॉन्ड है. पहले इसके आंसर की बात कर लेते हैं. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज़ केरला. केरला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है. लेकिन अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ बॉन्ड एंड व्हाट इज़ मसाला बॉन्ड. एक्चुअल में ये चीज़ें हैं क्या, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा बॉन्ड क्या है तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे समझ नहीं पाएंगे. ओके सो देखो पहली बार जो मसाला बॉन्ड है, देखो मसाला बॉन्ड है, मसाला बॉन्ड का नाम मसाला बॉन्ड क्यों रखा, क्योंकि ये हमारे स्पाइसेस जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, यहाँ पर मसाला बोला जाता है. तो जो हमारा IFSC है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है, उसने क्या नाम रख दिया था इसका, मसाला बॉन्ड नाम रख दिया था. अब बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक टाइप का मान लीजिए कोई भी आपको किसी भी कंट्री से कुछ मनी बोरो करना है, आप उसको क्या प्रोवाइड कर दोगे, एक बॉन्ड प्रोवाइड कर दोगे. ठीक है, आप उसको क्या कर दोगे, एक बॉन्ड प्रोवाइड कर दोगे और वो क्या करेगा, इन रिटर्न आपको क्या दे देगा, वहाँ पर लोन प्रोवाइड कर देगा. तो ऐसे पूरा एक कम्बिनेशन हो जाता है, ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, बॉन्ड बोला जाता है. तो बॉन्ड क्या दिखाता है कि हमारे ऊपर किसी, हमने किसी से क्या लिया हुआ है, यहाँ पर पैसा लिया हुआ है, यानी हमें किसी को क्या पे करना है, वहाँ पर लोन का अमाउंट पे करना है. तो ये चीज़ यहाँ पर शो करता है बॉन्ड से रिलेटेड. यहाँ पर आपके लिए मैंने डेफिनेशन भी रखा हुआ था, देखते हैं हमारा स्लाइड क्या है.
तो यहाँ पर आप लास्ट देखेंगे, सेकंड पैराग्राफ देखेंगे, तो बोन रिप्रेजेंट करता है डेब्ट ऑब्लिगेशन को, यानी आपने किसी से पैसा ले रखा है वो आपको यहाँ पर शो करता है. इफ़ ए कंपनी इशू बोन्ड मनी, अगर कोई कंपनी बोन्ड मनी को इशू करती है, दैट मीन्स इट रिसीव्स लोन इन रिटर्न. वो क्या कर रही है, लोन रिटर्न में वहाँ पर रिसीव कर रही है. मसाला बोन्ड का मतलब होता है बोन्ड्स दैट आर इशूड आउटसाइड इंडिया बट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज. देखो बोन्ड तो आपको पता चल गया क्या चीज़ है, लेकिन बोन्ड भी काफ़ी डिफरेंट टाइप के बोन्ड होते हैं, लाइक इलेक्टोरल बोन्ड होता है. तो यहाँ पर अगर आपसे मसाला बोन्ड पूछा जाएगा, तो ऐसे बोन्ड जो होते हैं वो इंडिया के बाहर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इंडियन करेंसी में ही यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो इसमें जो लेन देन होता है पैसे का, वो क्या होता है, इंडियन रुपी में होता है. ये आपको पता होना चाहिए मसाला बोन का डिनोमिनेशन क्या है, इंडियन रुपी है. दिस इज़ द थिंग जो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर था वो केरला था. तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला एंड हु इज़ द गवर्नर ऑफ केरला. केरला के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है. सो आपको यहाँ पर पता हो पी विजयानंद, पिनराई विजयानंद जो हैं वो चीफ मिनिस्टर है कहाँ के, केरला के, और पी सदाशिवम जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. Name the actor who has been felicitated for promoting the children's right by European Chambers of Commerce in India. यानी children के जो rights होते हैं उनको promote करने के लिए ये award जो है वो किस actor को दिया गया है by the European Chambers of Commerce in India. This is the question for you कि किस actor को दिया है. आपको actor का नाम यहाँ पर comment section में बताना है. तो यहाँ पर देखिए जो आपको नाम याद रख लेना है वो आपको अनिल कपूर का नाम याद रखना है, यानी option number B will be the correct answer here. सो मिस्टर अनिल कपूर जो हैं उनको अवार्ड दिया गया है. ये आंसर ओके. सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. आई होप ये आपको चीज़ समझ में आई होगी. अगर आपसे पूछा जाए अवार्ड सेरेमनी कहाँ हुआ था, कहाँ पर ये उनको अवार्ड दिया गया था, सो द वेन्यू वॉज मुंबई. मुंबई में ये पूरा अवार्ड शो चला था जहाँ पर उनको ये अवार्ड दिया गया था. यूरोपियन यूनियन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है. ब्रिटिश बेल्जियम जो है वो हेडक्वार्टर है किसका, यूरोपियन यूनियन का. यूरोपियन यूनियन जो है उसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ आती हैं, 28 कंट्रीज़ आती हैं, और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है. सबसे बड़ी वर्ल्ड की इकोनॉमी क्या है, यूरोपियन यूनियन है, एंड इट इंक्लूड्स 28 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड. सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. विच इंडियन शॉर्ट फिल्म वॉन द नेस्प्रेसो टैलेंट अवार्ड इन कांस. कांस में नेस्प्रेसो टैलेंट अवार्ड जो है वो कौन सी इंडियन शॉर्ट फिल्म को दिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है. क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट फिल्म जो चली थी उसका एक टॉपिक था, लाइक आप उसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एक थीम भी बुला सकते हैं. तो वो थीम क्या था, वी आर वट वी ईट, हम क्या हैं जो हम खाते हैं. We are what we eat जो है इस टॉपिक पे वहाँ पर क्या बनाना थी, शॉर्ट फिल्म जो थे उसको एक अवार्ड दिया जाना था. तो ये जो है वो अवार्ड किसको दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज़ सीड मदर. सो सीड मदर जो है उसको ये आंसर, ये अवार्ड दिया गया था. आप यहाँ पर जाएंगे तो आप ये मूवी भी देख सकते हैं जो किससे रिलेटेड थी, हमारे खाने से रिलेटेड थी कि हमारा जो खाना है उसको कैसे उगाया जाता है. सो वी आर वट वी ईट वॉज अ थीम ऑफ दिस थिंग. ओके, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है. फिल्म जो है उसको डायरेक्ट किसने किया था वो आप नाम यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू. सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अकॉर्डिंग टू RBI डाटा, डेबिट कार्ड स्वाइप ऑन द POS दैट इस पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट इन मार्च 2019. देखो यहाँ पर मैं जो आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आती हूँ वो डेफिनेटली आपसे SBI PO में और आपके NM वाले एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. एक तो मैंने आपसे मसाला बोन्ड वाला क्वेश्चन पूछा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डाटा काफ़ी पूछा जाता है. सो RBI के डाटा के अकॉर्डिंग जो हम अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स पे, वो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है मार्च 2019 में इन कंपेरिजन विद द मार्च 2018. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 27%. पहले से कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, 27% इंक्रीज़ हुआ है. अगेन जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी जो आप ATM के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसमें कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है. अगर आपसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पूछा जाएगा तो आपको 15% बताना है. अगर आपसे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का पूछा जाएगा तो आपको 27% बताना है. दोनों ही डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे और दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है. काफ़ी बार POS का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, वो क्या है, पॉइंट ऑफ सेल. ओके, सो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रख लेनी है. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है.
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप अ फार्मर्स कमीशन, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि हम फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, फार्मर्स को अवेयर करने के लिए कमीशन बनाने वाले हैं जो फार्मर्स को काफ़ी हेल्प करेगा. सो ए बी सी डी ऑप्शन में से ऐसा कौन सा स्टेट है जो ऐसा कमीशन बनाने वाला है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. सो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ मेघालय. मेघालय गवर्नमेंट ने ऐसा कमीशन बनाने का अनाउंसमेंट किया है. सो आपको यहाँ पर मुझे बताना है हु इज़ द चीफ मिनिस्टर एंड हु इज़ द गवर्नर ऑफ मेघालय. अगर यहाँ पर मेघालय न्यूज़ में आया है तो मेघालय से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं यहाँ पर पढ़ना. सो कांग्रेट संगमा जो हैं वो क्या हैं, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं, कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं. एंड तथागत रॉय जो हैं वो क्या हैं, गवर्नर हैं. ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है. सीएम जो है वो सी संगमा है, तथा गता रॉय जो है यहाँ पर गवर्नर हैं. ओके सो देखते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इटालियन ओपन 2019, इटालियन ओपन 2019 जो है वो एक टेनिस टूर्नामेंट था जो ख़त्म हो चुका है. आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है हु वन द मैन सिंगल टाइटल, मैन सिंगल टाइटल जो है वो किसने जीत लिया है. देखो कोई भी अगर यहाँ पर प्लेयर है उससे रिलेटेड उसका कंट्री भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपके सामने ये कंट्री भी ऐड किया है. सो यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर हियर. ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या करेक्ट आंसर है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ राफेल नडाल. सो राफेल नडाल जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं. उन्होंने इटालियन ओपन 2019 जो टेनिस टूर्नामेंट है वो जीत लिया है. आपसे इन फ्यूचर पूछा जा सकता है कि राफेल नडाल जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो वहाँ पर आपको गेन क्या बताना है, यहाँ पर आपको टेनिस बताना है और वो कहाँ से हैं, स्पेन से हैं. ओके सो आई होप ये आप गलती नहीं करेंगे इन फ्यूचर आपका अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में. तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अगेन यहाँ पर इटालियन ओपन की ही बात हो रखी है. अब आपसे पहले मैन सिंगल पूछा गया था, अब क्वेश्चन में पूछा गया है हु वन द विमेन सिंगल टाइटल, विमेन सिंगल टाइटल जो है वो किसने जीत लिया है ए बी सी डी ऑप्शन में से. सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू जिसका आपको यहाँ पर आंसर बताना है. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज़ कैरोलिना पिस्कोवा. सो कैरोलिना पिस्कोवा जो है वो चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं और उन्होंने विमेन सिंगल टाइटल यहाँ पर जीत लिया है. देखते हैं हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन क्या है. सो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कमिंग राउंड द माउंटेन, कमिंग राउंड द माउंटेन जो है उसके ऑथर का क्या नाम है, ये क्वेश्चन है आज के लिए जो आपका फाइनल क्वेश्चन है. आज के सेशन में हम सिर्फ 12 क्वेश्चंस ही रखने वाले हैं. अगेन आप मुझे, मैं सोच रही हूँ हमारा जो नेक्स्ट क्लास हो वो हम बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास रखें. तो आप क्या चाहते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस क्लास में हम बेसिक से पढ़ें या फिर मैं आपके लिए डायरेक्ट एमसीक्यूज जो हैं वो लेकर आऊँ, तो आप यहाँ पर मुझे सेशन के ख़त्म हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ रस्किन बॉन्ड. ओके सो इनकी ये बुक है, इन्होंने इस बुक को ऑथर किया है. ओके सो आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा. आपने 12 में से कितना स्कोर किया है आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड है तो भी आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे. Subscribe to ADDA 247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos.